और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों
और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और ये आंकड़ों में नहीं दिख सकता है, देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है।
देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है।